सप्तेश्वरी में और अंजना की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। धन्यवाद अर्जुना। आज का सुवचन बताएगी मेरी सहेली सुकन्या। नमस्ते दोस्तों, आज का सुवचन सुन लीजिए। चुनौतियाँ तो आती है उसे पहचानना जो सबसे बड़ी चुनौती है। फिर से सुन लीजिए, चुनौतियाँ तो आती है उसे पहचानना सबसे बड़ी चुनौतियाँ है। धन्यवाद सुकन्या। सुकन्या इसके बाद दिन का महत्व यानी विशेष बताएगी मेरी सहेली अश्विनी। आज का दिन का महत्व सुन लीजिए। 7 जनवरी 1610 गैलीलियो ने गुरु ग्रह की खोज की। आज तक धन्यवाद अश्विनी। आज के मुख्य समाचार बताएगी मेरी सहेली शीता। आज के समाचार सुन लीजिए। भारत पाकिस्तान में तनाव स्थिति, पिता पुत्र के बीच राजकीय खलबली, एक कदम स्वच्छता की ओर मोदी, भारत से और सर्जिकल स्ट्राइक हो सकते हैं, भारत ने 5 अग्निबाण प्रक्षेपण किया, उत्तर प्रदेश में यम फैक्टर। धन्यवाद शीता। आज की सामान्य ज्ञान के सवाल मैं खुद पूछूंगी। आज का पहला सवाल है कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 7वीं तक के लिए। सवाल है, हीरा गांव के सरपंच कौन है? सांगोइनी इसका उत्तर जवाब सही है, इसके लिए 3 तालियां बजाइए। दूसरा सवाल है कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 10वीं के लिए। सवाल है, माजीवाड़ा तालुके के आमदार कौन है? बताओ निकिता। उत्तर जवाब सही है, इसके लिए 3 तालियां बजाएं। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आज ऐसी महिलाओं को, कामयाब महिलाओं को मिलने जा रही हूँ। अप्रीति मंगा हो गई है, असंभव कुछ भी नहीं है, मन में ठहर लिया जाए और आत्मविश्वास के बल पर हर बाधा को पार करके अपने सफलता का शिखर छुआए उसने। प्रीति जी नमस्कार, देखिए हम समय पर आ गए आपसे बातचीत करने। नमस्कार नमस्कार, आइए बैठिए ना, मैं अभी आई। अरे प्रीति जी कहाँ गए हो तुम? मुझे तो कहा कि समय का बहुत ध्यान रखती हूँ। बाहर बहुत ठंड है, लीजिए थोड़ी चाय पी लीजिए। प्रीति जी ये क्या है? मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, काम भी होता है और आनंद भी मिलता है। चलिए आप बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाए। प्रीति जी आप दृष्टिहीन होते हुए भी आपको सफल महिला क्यों मानी जाती है? सफल कामयाबी को आप किस अर्थ में लेती हो? मेरे लिए कामयाबी का अर्थ है सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना करना। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा असफलताओं का सामना करता है और जो सबसे ज्यादा चुनौतियों का स्वीकार कर उस पर संघर्ष करके विजय पाता है वही व्यक्ति सफल कहने का अधिकारी है। किसी कार्य में असफल होने पर आपको कैसा लगा? चलते समय रास्ते में गड्ढे आते हैं, अगर गिर जाओ तो किसी की सहायता से उठूंगी, पर अगली बार रास्ता बदलूंगी और स्वयं उठूंगी। यदि हम यही सोचते रहे कि गाड़ी जैसी चल रही है चलने दो तो हम सफलता कभी नहीं पा सकते। प्रीति जी आप क्या जन्म से? नहीं नहीं, मैं 6 साल की थी तभी मुझे पाठशाला में बताया गया कि मुझे आँख की बीमारी है। तब पाठशाला में मैं समान अक्षरों की आकृति को पहचान नहीं पाती थी। स्कूल में बताया गया कि मुझे कुछ ही समय में मेरी दृष्टि चली जाएगी। वहां मुझे डराया नहीं गया, अपने आने पर से तो नहीं, हाँ पर कॉकरोच से डर गई थी। फिर आप स्कूल नहीं गई? नहीं, पिताजी का था। आपकी पढ़ाई का क्या हुआ? पिताजी का तबादला होने पर हम दिल्ली चले गए। वहाँ पे 8वीं कक्षा तक आयुष सिन्हा ने मुझे बहुत सहायता की। जुबानी गणित में अच्छा कर लेती थी पर अलजेब्रा मेरे लिए चुनौती थी, अभी भी अच्छा नहीं लगता। वो कितनी गहराई से सोचते होंगे वो लोग मेरी दृष्टिहीनता को। उन्होंने अपनी खिन्नता और उदासी को छुपा कर रखा, उनके अथक प्रयासों ने मुझे निष्क्रिय होने से बचा लिया। फिर आप स्कूल नहीं गए? नहीं, मुझे किसी भी पाठशाला में दाखिला नहीं मिला। पिताजी हर सुबह जोर से रेडियो
में आ गई। कैसे? मैं सकारात्मक सोचती हूँ, मैं चाहती हूँ कि सारी कायनात, मैं सकारात्मक सोचती हूँ, बार बार दोहराना चाहती हूँ कि सारी कायनात मुझे देखकर कहे वाह प्रीति जी वाह। चुनौतियाँ तो आती है लेकिन उससे पहचाना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। प्रीति जी आपकी और रुचियाँ क्या है? खाना पीना गप्पे मारना नशे की तरह। और मैं बहुत पढ़ती हूँ, ध्वनिया उपन्यास विज्ञान। पर कैसे आपके आदत बोले? पिताजी ने सिखाया, आपने ऐसे नीचे देखोगे तो सुखी रहोगे। और आपके पास तो सब कुछ है, पेड़ पौधे पशु पक्षी प्रकृति, क्या है कम आदर्श है? ये क्या है कम आदर्श है सुखी जीवन जीने के लिए? प्रीति जी आप हमारे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहती हूँ कि हर काम सच्चाई ईमानदारी और खुशी से करो। खुशियों का हाथ पकड़ोगे तो और मिलेगी। अपने सीखने के दरवाजे हमेशा खुले रखना, अपने सपनों को हकीकत में बदलो। और हाँ, विकलांगों को अपना काम स्वयं करने दो, उनके पास असीम असीम शक्तियाँ है। काम आनंद है, काम सुख है और प्रत्येक काम सही है। प्रीति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद है आपसे बात करके। धन्यवाद धन्यवाद। आज की कृपा में यह सीख लेती है कि हर काम सच्चाई और लगन से करना चाहिए। आज का कृपा यही खत्म हुआ, आगे का मार्गदर्शन करेंगे गाँव की। मुलाकात तंत्र दसवीं के छात्र ने बहुत ही बेहतरीन मुलाकात तंत्र का सब बच्चों को संदेश दिया है। आगे हमें भी चलकर कहीं ना कहीं मुलाकात देनी है, तो इस ढंग की मुलाकात देने को हम भी तैयार होना चाहिए। तो इस बच्चे का संदेश बहुत ही बढ़िया इस परिपाठ में दिया है, इसके लिए जोरदार तालियां से उनका स्वागत करें। और इस सप्ताह का स्टार देने के लिए जो जजेस है काले सर और सालवे सर, अब उनका पूरी संवाद चालू है। अगर किसको देना है किसको नहीं, अंतर्मुख होकर कुछ चर्चा चालू है, मगर दोनों में खलबली चालू है। अभी धीरे धीरे सालवे सर इधर स्टेज के ओर आ रहे हैं, उनको गुजारिश की जाती है कि इस सप्ताह का स्टार जिस बच्चे का बेहतरीन परिपाठ हो रहा है उन्हें नवाजा जाए। सालवे सर नमस्ते। दोस्तों गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो ना, कैसी लगी मुलाकात? बहुत ही सुंदर परिपाठ बोल रहे हैं। कक्षा पांचवी से लेकर दसवीं तक हर छात्र हर परिपाठ में अपनी तरह से इतनी अच्छी तरह से पेशकश आने का प्रयास कर रहे हैं कि हर सप्ताह का स्टार नामांकन अपने ही कक्षा को मिल जाए, हर छात्र की ऐसी उम्मीदें हैं। इसे देखकर बहुत अच्छा लगता है, आनंद मिलता है, क्योंकि कक्षा में आखिरी बेंच पर बैठने वाला बच्चा भी एक अच्छी तरह से